हेलो माय फूड फैमिली। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला चिली पनीर। और हम सभी को रेस्टोरेंट का चिली पनीर बहुत पसंद आता है, तो अगर आपको भी आता है ना तो ये रेसिपी को पूरा देखना। यहाँ पे मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर, और वो जो पनीर है उसे मैंने बड़े क्यूब्स में काट लिया है। फिर इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, चिली पाउडर और जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये हम इसलिए कर रहे हैं ना कि हमारे पनीर में भी बहुत एक अच्छा सा फ्लेवर आए, तो हम इसको अच्छे से मैरिनेट कर देंगे पनीर में। और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च, और इसे भी अच्छे से मिक्स करके हम पनीर को रख देंगे मैरिनेट होने के लिए 20 से 30 मिनट के लिए। और तब तक हम लेंगे अपनी वेजीज और इसको काट लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने लिया प्याज और इसको काट लिया बड़े बड़े पीसेस में कुछ इस तरीके से। आपको भी इसी तरीके से काटना है ताकि जो हमारी सब्जियों का क्रंच है ना वो बहुत अच्छा आए। ऐसे ही हम करेंगे अपनी शिमला मिर्च के साथ भी। हम शिमला मिर्च को भी इसी तरीके से बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे जो अपना मैरिनेटेड पनीर था, और उसमें आप करेंगे अच्छे से कॉर्न स्टार्च की कोटिंग। तो यहाँ पे हम लेंगे 3 से 4 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च। आपको इतना लेना है कि ताकि हमारा जो पनीर है ना वो बहुत अच्छे से कोट हो जाए, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो इसमें एक बहुत अच्छा क्रिस्पी फ्लेवर आए। तो इसको कर लेंगे हम अच्छे से मैरिनेट कुछ इस तरीके से, ये देखिए। अब हम लेंगे ऑयल और उसे कर लेंगे अच्छे से हीट। फिर हम इसमें डालेंगे अपने मैरिनेटेड पनीर। यहाँ पे जो है पनीर है ना, मैं इसे करूँगी अभी सिर्फ हाफ़ फ्राई। ये इसलिए क्योंकि जो पनीर होता है ना वो सॉगी हो जाता है बहुत जल्दी। अगर हम इसे दो बैच में फ्राई करेंगे, एक बार हाफ़ फ्राई एक बार फुल फ्राई, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना कि ताकि जब भी नई वीडियोस आए तो आप सबसे पहले इसे देखें। बाय बाय।